आज के शुभ कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी साहब, मंच पर विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के सदस्य डोटासरा साहब, आदरणीय विराजमान मंत्री महोदय, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, विराजमान अखिल अरोड़ा साहब, विराजमान सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मैं बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और खास तौर से मुख्यमंत्री जी, आपने उन गरीब महिलाओं के बारे में सोचा है, जिस तरह से अभी उषा शर्मा जी ने बात रखी कि एक क्रांति शुरू हुई थी जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी से उसकी शुरुआत हुई। राजीव गांधी जी ने इस देश को नंबर वन आईटी के सेक्टर के अंदर एक नई पहचान दिलवाई और वो शक्ति आप राजस्थान की उस गरीब महिला को आप देना चाहते हैं जिससे राजस्थान नंबर वन पर आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे कई देश प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है, कई देशों में भी जाने का मौका मिलता है, जहां तक कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से आईटी का उपयोग करके जो आम जन की लोगों की जो समस्या होती है, जो उनके काम होते हैं, यहां तक कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको सबसे पहले डिजिटाइज किया और कई प्रदेशों ने अपनी टीम भेजकर राजस्थान से सीखने का उनको मौका मिला है। मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और उम्मीद ये भी करता हूं कि दूसरे प्रदेश भी इससे से सीखेंगे, क्योंकि आपने एक महिलाओं के गरीब महिलाओं के को एक मोबाइल की क्रांति दे दी तो वो पूरा एक तरह से परिवार आईटी के क्षेत्र में शिक्षित हो जाता है। और स्मार्टफोन आप दे रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, नहीं तो मोबाइल 1000 और 1200 रुपए का भी आता है जिसमें आप कॉल सुन सकते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़कर जो हम देखते हैं महिलाएं जो सक्षम लोग हैं वो मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो वही शक्ति आपने गरीब महिलाओं को दी है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है और उसका बहुत बड़ा एक लाभ अगले कुछ सालों में देखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।